हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंट विद्युत धारिता, जिसमें बैक वीडियो में क्या देखा था आपने कि कैपेसिटर जो भी समांतर प्लेट संधारित यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में देखा, तो उसमें आपने क्या देखा कि इसमें दो चालक प्लेटें होती हैं। कितनी प्लेटें होती हैं? दो चालक प्लेटें होती हैं। एक चालक प्लेट को धनावेश दिया जाता है, दूसरे पर इंडक्शन द्वारा प्रेरण विधि द्वारा नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। ये क्या होती है? पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है इसे। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? आपकी समांतर प्लेट संधारित्र होती है। ठीक है, तो कल इसकी आपने धारिता, अगर मान प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, इसको कितना चार्ज दिया जाए, क्यों चार्ज दिया जाए, तो इसकी धारिता आपने फाइंड आउट करी थी कि धारिता c इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, यही आई थी। ठीक है, जब इसमें यहाँ कोई भी माध्यम की उपस्थिति नहीं थी, ये क्या था आपका? निर्वात था। क्या था? निर्वात। तब यहाँ क्या आया? एप्सिलॉन नॉट आया। तो आपको पता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो इन प्लेटों का एरिया, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, सी प्रोपोर्शनल ए, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट, सी प्रोपोर्शनल माध्यम, यानी एप्सिलॉन नॉट आया है, ठीक है, तो माध्यम की यानी क्या है, उपस्थिति नहीं है यहाँ पर, लेकिन निर्वात है। अगर माध्यम होगा तो वो उस पर डिपेंड करेगी। प्लेटों के बीच की दूरी, तो C विध अनुपाती डी, तो यानी प्लेटों की दूरी जिस दोनों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी धारिता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ये आपने कल किया था, बिल्कुल वैक्यूम था, तो C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया। आज हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये आपका देखिए समांतर प्लेट क्या है? संधारित्री है। अब इसके ये जो भाग बचा हुआ है प्लेटों के मध्य, वो जो भाग बचा यानी जो आपके बीच की दूरी कितनी थी? d थी। उस पूरे भाग में आपने कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यानी परा या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आपने क्या कर दिया? भर दिया। यानी पूरे के पूरे में क्या भरा हुआ है? यानी परा वैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि माध्यम की क्या है? उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है? माध्यम की उपस्थिति है। इसका मतलब निर्वात उपस्थित नहीं है इसमें, कहीं भी आपको क्या नहीं है? निर्वात नहीं है। तो देखिए समझे, जब पहले निर्वात था तो क्या आया था आपका? एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक है, डेरिवेशन में लास्ट में यही आएगा कि पहले निर्वात था तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट आया था, अब माध्यम की उपस्थिति है तो क्या आएगा आपका? एप्सिलॉन आएगा, नॉट हट जाएगा, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन आएगा, और फिर एप्सिलॉन को क्या लिख लेंगे? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और आ जाएगा। ये है आपका डेरिवेशन करने को। अब देखिए समझे, थ्योरेटिकल क्या लिखा है कि दो चालक प्लेट है जिन्हें समांतर क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और एक चालक प्लेट P है, दूसरी चालक प्लेट क्या है आपकी? क्यों है? चालक प्लेट P को कितना आवेश दिया गया? प्लस क्यों आवेश दिया गया है? कितना दिया गया? प्लस क्यों आवेश दिया गया है, और प्लेट B को किससे यानी क्या है? भू संपर्कित किया हुआ है। अब इसमें देखिए कोई देखो यहाँ पॉइंट क्या है, अपन जब स्टडी करते हैं तो उस पर क्या आता है कि एक विद्युत क्षेत्र इधर आता है, एक विद्युत क्षेत्र इधर आता है, दोनों निरस्त हो जाते हैं, जीरो होता है। किस पॉइंट की बात करते हैं अपन? एम की। तो देखिए एम पर विद्युत क्षेत्र कैसे काउंट करेंगे कि प्लस के कारण, देखो आप यहाँ से दिशा फिर बता रहा हूँ कि दिशा से ही होगा ये। अगर मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज। इसके इधर बिंदु कौन सा है आपका? एम है या नहीं? तो विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करने के लिए यहाँ बिंदु M पर क्या करते हैं? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश क्या होता है आपका? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। तो देखिए समझें, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, लेकिन इसका परिमाण कितना है? एक। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो परिमाण कितना है? एक। तो बताओ इसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव के मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? प्रतिकर्षण। तो ये जो चार्ज है ये ज़्यादा है, ये इसको दूर की ओर धकेलेगा, तो बताओ इधर धकेलेगा तो ये डायरेक्शन होगी, यानी प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? दूर की ओर होता है। कहाँ होता है? दूर की ओर। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये बिंदु M, तो बताओ इस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इसके कारण कितनी मानी है आपने? E1 वेक्टर। तो बताओ E1 वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। बताओ ये लाइन समझ में आई नहीं आई? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? दूर की ओर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इधर क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या है? बिंदु M है या नहीं? और ये क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है।
तो बताओ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज इसको पॉजिटिव को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यानी आकर्षित करेगा तो ये अपनी ओर करेगा खिंचाव, ठीक है। तो यानी यहाँ दिशा किधर की ओर होगी, नेगेटिव की ओर होगी, क्यों, आकर्षण की वजह से। तो बताओ ई टू बी किधर होगा, इधर ही होगा, कल भी बताया था ये और आज भी बताया है, ठीक है। बट कल यहाँ क्या था, वैक्यूम था, तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। अब यहाँ क्या है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कितना समझ में आ गया डायरेक्शन के बारे में। देखिए दोनों की डायरेक्शन आपकी क्या आई है, सेम। देखिए ए वन वैक्टर भी कहाँ है, इधर है, और ई टू वैक्टर भी कहाँ है आपका, इधर ही है। देखिए बिंदु एम पर जो विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र, वो समान दिशा में है, क्या है, समान दिशा में। तो परिणामी जो निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, वो दोनों बताओ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो परिणामी क्या आएगा, ई वैक्टर इजिकल टू ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर। अब अपन को फाइंड आउट करना है ई की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू। तो यानी विद्युत क्षेत्र कैसे काउंट करते हैं, मैंने बताया कि जो समांतर प्लेट संधारित होते हैं, जो वह प्लेटें होती हैं, उनकी जो मोटाई होती है वो क्या ली जाती है, स्मॉल ली जाती है। जब मोटाई स्मॉल होगी तो बताइए जो आपका एक पेपर की प्लेन पेपर की तरह होगा, और जो भी चार्ज दिया जाएगा वो पूरे आयतन में, यानी उस पृष्ठ उसमें डबल पृष्ठ नहीं बचे। देखो चालक होती हैं तो चलकर आवेश सतह पर आ जाता है, लेकिन जब मोटाई नहीं है तो उसमें क्या डबल पृष्ठ है, नहीं है। तो यानी एक पेपर की तरह बचा, यानी पूरा आवेश क्या हो जाएगा उसमें, यानी समान रूप से वितरित हो जाएगा। और जब आवेश समान रूप से पूरे आयतन में वितरित होता है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, अचालक की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह, अचालक की तरह। तो ये प्लेटें हैं वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगी, वो किस कैसा करेंगी, गाउस के नियम से अचालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। कल कितना बताया था, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। परिणाम क्या होगा, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। तो देखिए समझे, बिंदु एम पर प्लेट पी के कारण बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ किससे डिनोट करी अपन ने, E1 वेक्टर से। जब मोटाई क्या है इसकी, नगण्य है, थिकनेस नहीं है, तो किसका लेंगे, अचालक का, किसका लेंगे, अचालक का। तो बताए यहाँ कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, अगर निर्वात होता तो क्या आता, नॉट आता, लेकिन यहाँ किसकी उपस्थिति है, माध्यम की उपस्थिति है, तो नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। आ गया समझ में, समीकरण नंबर कितनी हो गई, एक। नेक्स्ट, ये तो पॉजिटिव प्लेट के कारण हुआ है, अब किसके कारण निकालेंगे, नेगेटिव, यानी प्लेट क्यों के कारण। तो देखिए प्लेट क्यों के कारण, बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको किससे डिनोट किया है आपने, E2 वेक्टर। तो इसकी भी थिकनेस क्या है, स्मॉल है, तो इसका भी विद्युत क्षेत्र लेंगे वो किसका लेंगे, अचालक का। और अचालक के कारण कितना होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, निर्वात होता, मीडियम है तो क्या लगा दिया, केवल एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। समीकरण कितनी हो गई, दो। अब बिंदु एम पर E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र, क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र किस पॉइंट पर, पॉइंट एम पर। तो बिंदु एम पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इजिकल टू क्या आएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। यहाँ से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से टू एप्सिलॉन एलसीएम ले लिया तो सिग्मा प्लस सिग्मा कितना आ जाएगा, टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, टू से टू क्या होगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन।
बैक वीडियो में आपका यहाँ जब बिंदु M पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाला था तो वहाँ कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि वहाँ वैक्यूम था, यहाँ क्या है कि माध्यम की उपस्थित है, तो कितना हो जाएगा यहाँ एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर मान ली इसके परिमाण की बात करें, तो E इजिकल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट समीकरण कितनी हो गई आपकी, तीन, आ गया समझ में, समीकरण तीन हो गई। अब आपको देखिए यहाँ से धारिता निकालनी है, C इजिकल टू क्या होता है आपका, Q अपॉन क्या होता है V, ठीक है, तो Q तो अपन ने दिया हुआ है जितना चार्ज दिया, V की वैल्यू निकालनी है, E का मान है, तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, ठीक है, क्या होता है आपका, कल भी बताया था V इजिकल टू E इंटू आर होता है, लेकिन यहाँ R की जगह क्या है D है, तो क्या हो जाएगा E इंटू D, समीकरण कितना हो जाएगा आपका चार। समीकरण तीन से E का मान चार में रख दे, समीकरण तीन व चार से क्या हो जाएगा V इजिकल टू E, ठीक है, अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में मीडियम लगाना है तो यहाँ क्या लगा सकते हो आप, M लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा E, E का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ कितना हो जाएगा D, सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A, पृष्ठ आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, दोनों आप जानते हैं, ठीक है, यहाँ से जब दोनों आप काउंट करेंगे तो यहाँ सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए और एप्सिलॉन इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दोनों वैल्यू इसमें पुट करें, वी इजिकल टू कितना हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए, क्यू अपॉन ए तो किसका मान हो गया सिग्मा का, डी की जगह डी रख दिया, एप्सिलॉन की जगह क्या रखोगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, समीकरण कितनी हो गई आपकी पाँच। लास्ट स्टेप देखिए, धारिता की परिभाषा से, क्या हो जाएगा C इजिकल टू Q अपॉन कितना हो जाएगा V, C इजिकल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V, अगर मान मीडियम की प्रेजेंट है तो क्या लगा दिया M, क्योंकि माध्यम में धारिता निकाल रहे हैं, तो बताइए यहाँ से समीकरण पाँच से वैल्यू पुट करें किसकी V की, तो C M इजिकल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, Q से Q क्या होगा कैंसिल, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो C M इजिकल टू क्या आया एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन R और नीचे क्या आ जाएगा D, आ गया समझ में। यहाँ से ये हुआ आपका कि जब परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसकी क्या आ गई है धारिता, इसको आपने पढ़ रखा है, ये क्या है आपका C, कि C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी निर्वात में यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा C, तो यहाँ फाइनल क्या रिजल्ट आएगा आपका, उस फाइनल रिजल्ट को लिख लेते हैं यहाँ, तो देखिए फाइनल आएगा आपका सी एम इजिकल टू सी इंटू एप्सिलॉन आर, आएगा या नहीं आएगा, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन वन होती है, जब इनसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो बताओ सी एम की वैल्यू ज़्यादा होगी या सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, सी एम की क्या होगी ज़्यादा हो जाएगी, तो सी एम ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब क्या है, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर परावैद्युत पदार्थ या इंसुलेटिंग मीडियम भरा जाता है तो उसकी धारिता क्या हो जाती है बढ़ जाती है, और कितने गुना बढ़ जाती है एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, क्लियर है। देखिए फिर से समझ लें, इतना तो मैंने बता दिया कि पॉजिटिव, एक पॉजिटिव प्लेट दूसरी नेगेटिव प्लेट,
बिंदु M पर दोनों यह विद्युत क्षेत्र होगा इनके कारण वो समान दिशा में होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। इनकी जो मोटाई है वो क्या है, नगण्य है, तो ये एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगी। वो कैसा, अचालक परत के कारण ऐसा करेंगी। तो क्या हो जाएगा, इसके कारण भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, इसके कारण भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, परिणामी ई वेक्टर इजिकल टू ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर हो जाएगा। सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ से यानी माध्यम में विद्युत क्षेत्र, किसमें, माध्यम में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अगर निर्वात होता है, क्या होता है, निर्वात होता है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आता है, माध्यम की उपस्थिति तो सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन। इसके बाद हम जानते हैं विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, V इजिकल टू E इंटू डी, ई की वैल्यू रख दी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए और एप्सिलॉन इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से क्या आ गया, V इजिकल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। V की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, क्या निकालनी है, धारिता सी एम इजिकल टू क्यू अपॉन वी, क्यू से क्यू क्या होगा कैंसिल, ये ऊपर चल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी हो जाएगा। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, क्या होता है आपका सी, तो इसकी जगह सी रखेंगे तो सी एम इजिकल टू सी इंटू एप्सिलॉन आर। यानी माध्यम की उपस्थिति के कारण विद्युत विभव, वो विद्युत धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखना विद्युत बल भी घटता है माध्यम की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र भी घटता है, विद्युत विभव भी घटता है, बट धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया गया था कि जब संधारित्र की परिभाषा बताई तो मैंने बताया था प्लेटों के मध्य इंसुलेटिंग मीडियम भरा जाता है, तो क्यों भरा जाता है, क्योंकि उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए। तो दो ही कारण थे उसके कि धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कि एक तो विभव का मान कम करके, कैसे कि प्लेट बी को क्या कर दें, भूसंपर्कित कर दें, दूसरा क्या है कि उन प्लेटों के मध्य क्या भर दें, परावैद्युत पदार्थ भर दें जिससे धारिता बढ़ जाए। तो जितनी धारिता अधिक होगी आवेश ग्रहण करने की क्षमता उतनी क्या होगी, अधिक होगी। ये तो हुआ आपका कि जब पूरे में क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या बचे उनको देखिए कि अब पूरे में यानी इस परावैद्युत पदार्थ ना भर के, मान लीजिए इतने भाग में आपने परावैद्युत भर दिया, इतने भाग में जो ये है इस भाग में आपने क्या भर दिया परावैद्युत, जिसकी ये चौड़ाई कितनी ले लिया अपन ने टी, और ये पूरी लंबाई यहाँ दूरी कितनी है डी। तो बताओ इसमें पहला डेरिवेशन किया उस पूरे में आपका निर्वात था, क्या आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आई धारिता। दूसरे में क्या था, पूर्ण रूप से क्या था, परावैद्युतांक था, यानी परावैद्युत पदार्थ था, तो वहाँ कितना आया कि एप्सिलॉन ए अपॉन डी, यानी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। आज का जो ये डेरिवेशन रहेगा इसमें क्या है कि वो है आपका कि इसमें माध्यम की उपस्थिति भी हो और निर्वात की उपस्थिति भी हो, तो यानी ये निर्वात है और ये क्या है माध्यम। तो करना कैसे है देखिए, माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, निर्वात में कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और विभव क्या होता है आपका ई इंटू क्या होता है डी होता है। ठीक है, तो इसको समझें कैसे कि भाई दोनों दो माध्यम प्रेजेंट है, कितने माध्यम प्रेजेंट है दो, तो विभव भी क्या होगा दोनों में ही होगा, किसमें, विभव का मान एक तो यानी वैक्यूम में निर्वात में, किसमें निर्वात में होगा, और एक किसमें होगा माध्यम में होगा। क्लियर है, तो देखिए यह क्या होगा ई निर्वात में और डी निर्वात में, वी बराबर ई डी होता है निर्वात में, निर्वात की बात करेंगे, प्लस माध्यम में कितना होगा ई माध्यम इंटू डी माध्यम। तो देखिए ई निर्वात कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बताओ डी निर्वात में कितना है, भाई पूरी डिस्टेंस डी है उसमें से ये भाग काट दें तो ये निर्वात ही तो बचेगा आपका, तो कितनी हो जाएगी डी माइनस कितना टी, प्लस माध्यम में सिग्मा अपॉन कितना आता है एप्सिलॉन, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है माध्यम में टी, तो ये क्या आ गया V का मान, किसका आ गया V का। तो अब सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए रख सकते हो और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रख सकते हो, तो बताओ V का मान आ गया तो क्यू अपॉन क्या कर दोगे V कर दोगे। बस ये लाइन समझने की थी कि विभव कितना होगा आपका दोनों के योग के क्या होगा बराबर होगा। नेट डेरिवेशन एक जो बचता है तो इसमें क्या रखते हैं अपन, पट्टी क्या रखते हैं ऐसे,
बहुत सारी पट्टिकाएं रखेंगे इसकी, यानी ये T1, ये T2, ये T3, तो इसमें आपका निर्वात भी बचेगा और पट्टिकाएं, बहुत सारी पट्टिकाएं होंगी। तो पट्टिकाएं रखने के कारण, परावैद्युत की पट्टिकाएं रखेंगे तो धारिता का मान वित्त है फिक्स है कि बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा उसका डेरिवेशन और है। तो आपके दो डेरिवेशन हो चुके, पूर्णतः निर्वात, पूर्णतः माध्यम। अब क्या बचा है? आंशिक निर्वात और आंशिक परावैद्युत, ठीक है। और पट्टिकाएं रखी, ये दो डेरिवेशन आपके बचे हुए हैं, इनको करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको ध्यान रखें कि जब वैक्यूम होता है तो C=εo(a)d प्राप्त होता है, तीन फैक्ट पर डिपेंड होता है, ए, डी और माध्यम पर। और अगर निर्वात होता है तो देखिए, यहाँ निर्वात होते ही क्या होता है, वो माध्यम उपस्थित होते कारण εr से धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको करा दिया। नेक्स्ट में अपन करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक भाग में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी या इस भाग में जिसकी मोटाई कितनी ली अपन ने टी, वहां से कितने विभव के कितने मान होंगे, दो, एक तो निर्वात में और एक किस में, माध्यम में। दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वी का मान आ जाएगा, C=q/v रख देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये है आपका नेक्स्ट डेरिवेशन, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही सफिशियंट है। धन्यवाद।